ओके क्लास, दिस इज लेक्चर नंबर 38 एंड टुडेज टॉपिक इज यूनिट फिफ्थ। टॉपिक नेम इज क्वेइंग मॉडल। ठीक है, ये हमारा यूनिट फिफ्थ का लास्ट टॉपिक है। आज हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे लास्ट में। तो पहले समझते हैं कि ये बेसिकली है क्या। अब मुझे एक चीज बताओ, आप लोगों ने जो क्यूइंग वर्ड है कभी अपनी लाइफ में देखा है, सुना है? एनीवन? भाई अपनी डेली लाइफ में आपने कहीं ना कहीं तो ये क्यू में आपका सामना करना ही पड़ा होगा। यस सर। तो बेसिकली हमें जरूरत क्यों पड़ी? तो बेसिकली जो हमारी डेली लाइफ में जो हमारी क्यू हम लोगों को सामना करना पड़ता है, उसको समझने के लिए, उसको शॉर्ट करने के लिए ही हमारा जो ये क्यूइंग मॉडल है इसका इजाद हुआ। ठीक है, इसकी हिस्ट्री में बाद देखेंगे, पहले समझते हैं कि बेसिकली क्यू मॉडल है क्या। ठीक है, तो एक सीधा सा सिंपल आपको दिया हुआ है स्ट्रक्चर, देखो यहाँ पे नीचे दिख रहा है आपको, ये हमारा एक जनरल स्ट्रक्चर है क्विंग मॉडल का। ठीक, इसमें क्या है, यहाँ से हमारे कस्टमर आ रहे हैं, ये हमारे कस्टमर्स की क्यू लेंथ है, यानी कि जो हमारी क्यू बन गई कस्टमर्स की, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, टाइम लग रहा है। ये हमारी सर्विस फैसिलिटी है, यहाँ पे हम लोग सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। अब सर्विस फैसिलिटी और क्यू लेंथ, इस पूरे के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम लोग सिस्टम। ठीक है भाई, अब क्यों क्यों बनी? क्यों हमारी इसलिए बनी क्योंकि हमारे पास जो सर्वर है या जिस पे हमें सर्विस मिल रही है वो खाली नहीं है। अगर मान लो ये हमारे खाली होते, ठीक है, मान लीजिए अगर हमारे पास कहीं हम लोग बाल कटवाने जाते हैं, अगर वो नाई हमारा खाली है तो हम जाएंगे तुरंत बैठेंगे और बाल कटवा के बाहर निकल जाएंगे। तो क्या हुआ, हमारी वहाँ क्यू नहीं बनी। क्यू हमारी कब बनती है, जब हमारा जो सर्विस स्टेशन है या सर्विस फैसिलिटी है वो हमारी बिजी हो, तब हमारी क्यू फॉर्म होती है। ठीक है, तो जो हमारा क्यूइंग मॉडल है वो हमारा वहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब थोड़ा उसको देखते हैं छोटे कलर में। इसमें क्या होता है कि जो हमारे यूनिट्स आती हैं सर्विस के लिए, ठीक है, एट रेगुलर और इरेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम एट गिवन पॉइंट कॉल्ड सर्विस सेंटर। ठीक है, जैसे हमारे ट्रक आते हैं सर्विस के लिए, लोडिंग के लिए, कस्टमर आते हैं डिपार्टमेंट स्टोर में, बहुत ज्यादा आपको एग्जाम्पल दिया शेविंग का, या कहीं भी आप टिकट कराने जाते हो, सिनेमा हॉल में, रेलवे में, कहीं जाते हो, तो आपको वहां पे क्या होता है, एक सिस्टम होता है, आप जहां पे पहुंच रहे हो उसको हम लोग बोलते हैं अराइवल ऑफ द कस्टमर, आप जो लाइन बनाते हो। ठीक है, उसके बाद जब आपको वहां जो विंडो है वहां पे आपको सर्विस मिल जाती है, उस विंडो को बोलते हैं हम लोग सर्विस स्टेशन, जो कि यहाँ पे आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि वो क्यों बनती क्यों है। बनती इसलिए है कि अगर हमारा जो सर्वर है, सर्विस स्टेशन पूरा खाली है, तो हमारा जो कस्टमर सीधा आएगा, सर्विस कराएगा और सर्विस करके बाहर चला जाएगा। बट अगर हमारा सर्वर जो है वो बिजी है, करना, अगर हमारा जो सर्वर है ये हमारा सर्वर अगर बिजी है तो क्या है, हमारे कस्टमर को अपना नंबर आने के लिए वेट करना पड़ेगा। जब वेट करना पड़ेगा तो हमारी जो है वो क्यू बन जाती है। ठीक है, अब इस क्यू को हम लोग एनालाइज करेंगे कि हमारी क्यू कितनी लंबी है, कितने मेंबर हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारी जो है ये लोगों को सीधा सर्विस मिल जाए, ना मिले, तो ये सब चीजें हमारी जो है ये आप लोग देखेंगे आगे वाले मॉडल्स में। तो ये बेसिकली हमारा इंट्रोडक्शन है ऑफ क्यूइंग मॉडल, ये क्यू मॉडल बनता कैसे है, राइट? तो अब बात करते हैं हम लोग इसके कुछ बेसिक टर्म्स की, जो हम लोग अभी आगे वाले टाइम में यूज करेंगे। जो मतलब जो पहला टर्म है वो क्या है हमारे पास, कस्टमर। कस्टमर कौन है, द अराइविंग यूनिट, जो भी हमारे पास आ रही है फॉर द सर्विस पर्पज, रिक्वायर्ड सम सर्विसेज टू बी परफॉर्म, यानी कि जिसको सर्विस चाहिए वो आ रहा है उसे हम लोग बोलते हैं कस्टमर। ठीक है, अब कस्टमर आपका कुछ भी हो सकता है, पर्सन, मशीन, व्हीकल, पार्ट्स, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है उसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली कस्टमर। सेकंड पॉइंट हमारा है क्यू, द नंबर ऑफ कस्टमर्स वेटिंग टू बी सर्व, यानी कि जो उनको सर्विस नहीं मिली है और जो लाइन में लगे हुए हैं उसे हम लोग बोलते हैं बेसिकली क्यू। द क्यू डज नॉट इंक्लूड द कस्टमर करेंटली बीइंग सर्विस्ड, यानी कि जो को सर्विस मिल रही है, जिसके बाल कट रहे हैं, जिसकी सर्विस हो रही है, जिसकी सर्विस कार की हो रही है, एक्टिवा की हो रही है, वट एवर, जिसको सर्विस मिल रही है उसे हम लोग क्यू में काउंट नहीं करते। ठीक है, तो मुझे अभी आगे तो और डेप्थ में देखेंगे तो मुझे और क्लियर होगा।
थर्ड पॉइंट है हमारा सर्विस चैनल, यानी कि जो प्रोसेस हम लोगों को फैसिलिटी मिल रही है, ठीक है ना, जो हमें सर्विस दे रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सर्विस चैनल। जैसे आप नाई के पास गए, या आप टिकट लेने रेलवे काउंटर पे गए, या आप सिनेमा हॉल में गए, या जहाँ भी आप जा रहे हो, जो आपको आपकी सर्विस प्रोवाइड करा रहा है उसको बोलते हैं हम लोग सर्विस चैनल। ये आपका सिंगल हो सकता है और ये मल्टी चैनल भी हो सकता है, ठीक है भाई। तो ये कुछ टर्म्स थे। अब बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। क्वेश्चन आप प्राइस बता रहा हूँ मैं, जैसे कोई नीड है नहीं, ये सीधा क्वेश्चन से न्यूमेरिकल बनता है हमेशा, आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली जो ये इसकी हिस्ट्री है वो स्टार्ट होती है 903। साइंटिस्ट थे मिस्टर ए के एरलांग, इन्होंने इसका इजाद किया। अब इनको ये टॉपिक क्यों मिला, इन्हें इजाद क्यों करा, क्योंकि उस समय क्या था, टेलीफोन जो लाइंस थी उनमें बड़ा होता था कनेक्शन। आपको याद होगा जब पहले जमाने में हम लोग फोन मिलाया करते थे तो फोन मिलता नहीं था, याद आ रहा है। यानी आप फोन मिलाओ तो फोन बड़ा बिजी जा रहा है, फोन मिल नहीं रहा है। मैं बात कर रहा हूँ बहुत पहले जमाने की, लैंडलाइन की, 90s की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसमें क्या होता था, पहले वहां होते थे पीसीओ, लाइन लगी है वहां, लोग लगा रहे हैं, नंबर मिल नहीं रहा है, नंबर बिजी जा रहा है, कनेक्शन जा रहा है। तो उसको दूर करने के लिए उन्होंने क्या करा, इन्होंने एक सिस्टम बनाया। उस सिस्टम को हम लोगों ने क्या करा, बोला कि ये क्यूइंग मॉडल है, ठीक है। अब उस क्या था वो हम लोग उसमें डेप्थ में नहीं जा रहे, बस मैं इतना समझिए कि ये स्टार्टिंग कहाँ से। तो स्टार्टिंग इसकी हुई है 903 से, जिन्होंने उसको इजाद किया है उनका नाम है मिस्टर ए के एरलांग, ठीक है। फिर इसी थ्योरी को उन्होंने फर्दर यूज किया वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, थोड़ा सा और प्रिसाइस वे में थोड़ा सा और मॉडिफाई किया। तो ये जो हम लोग आज पढ़ाई कर रहे हैं क्यूइंग मॉडल की, बेसिकली वो जो हमारा मॉडल है वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद स्टार्ट हुआ, यानी कि 1927 2028 के बाद, ठीक है भाई। तो ये थोड़ा सा इसका हिस्ट्री छोटी सी पता होनी चाहिए आपको, मैंने तो बता दिया, क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया है आज तक इस थ्योरी पे, लेकिन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं। तो एप्लीकेशंस जो है बेटा इसकी, आप देखो हर जगह है अपनी डेली लाइफ में, मैंने आपको जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको हर जगह क्यों मिल जाएगी, चाहे आपका कोई इंडस्ट्री हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, कैफेटेरिया हो, बुक स्टोर, लाइब्रेरी, बैंक, पोस्ट ऑफिस, पेट्रोल पंप, एवरीवेयर यू हैव टू फेस द क्यू। आपको हर जगह वहां पे क्यू मिलेगी मिलेगी। इसे हम लोग बोलते हैं कि एप्लीकेशन हमारी हर जगह है, जहां जहां आपका दिमाग जाए, जहां आप सोच सको, आपको हर जगह आपको क्यू मिलती है। तो ये हमारा बोला रियल लाइफ क्वेश्चन हम लोगों को मिलते हैं इसमें, ठीक है। तो ये इसकी बात हो गई थ्योरी की। अब इसमें ज्यादा डेप्थ में आ जाते हैं हम लोग, सीधे बात करते हैं इसकी। ये भी देख लेते हैं, चलो सीधे इस पे आते हैं, पीडीएफ पे, ठीक है। तो ये नोट्स है मेरे, पीपीटी से नहीं लूंगा मैं, थोड़ा सा इसमें मजा नहीं आ रहा था, इससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा फिर से रिकॉल कर लो, इसमें दिया हुआ है आपका जो ये है हमारी, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉलिंग पॉपुलेशन, जो कि हमारे कस्टमर्स आ रहे हैं फॉर सर्विस के लिए, इन्हें बोलते हैं हम लोग कॉलिंग पॉपुलेशन बोलते हैं, या फिर हम लोग बोलते हैं इनपुट सोर्स, राइट। और जिस रेट से ये आ रहे हैं उससे हम लोग बोलते हैं अराइवल रेट। अभी देखेंगे हम लोग इसको आगे फिर से। ये हमारा सिस्टम है जहाँ पे हम लोग सर्विस प्रोवाइड हो रही है, सिस्टम के अंदर ये हमारी जो है क्यू बनी हुई है, ठीक है। ये हमारे सर्वर है, जैसे आपको बताया मैंने कि सर्वर एक भी हो सकता है, दो, तीन, चार, कितने भी सर्वर हमारे पास हो सकते हैं, ठीक है। अगर सिंगल है तो हमारा सिंगल सर्वर रहेगा, अगर दो से ज़्यादा है तो हमारे टू सर्वर हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो ये हमारी बात हो गई जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ए क्यूइंग मॉडल। फिर से बताऊँ मैं आपको, ये जो हमारा यहाँ पे आ रहे हैं हम लोग बोलते हैं कॉलिंग पॉपुलेशन, ये हमारा अराइवल रेट है, ये हमारा सिस्टम है पूरा, ये हमारा सर्वर जहाँ सर्विस मिल रही है, ये हमारी क्यू है, ठीक। अब जो टर्म हम लोगों को ध्यान देने हैं, जिन पे हमें फोकस करना है, जिन पे हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो देखना है। तो बात करते हैं, हमारा जो टर्म आ रहा है, हमारा अब ये पहला टर्म है, ये है अराइवल रेट, यानी कि जो हमारे कस्टमर हैं वो किस तरह से आ रहे हैं, जिस पैटर्न में आ रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं अराइवल रेट, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं लेटर लैम्डा से, ठीक है। बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं अराइवल रेट या अराइवल पैटर्न। नंबर ऑफ कस्टमर्स अराइविंग पर यूनिट टाइम इज नोन एज अराइवल रेट। सिंपल डेफिनेशन है इसकी लैम्डा की, कि एक घंटे में कितने कस्टमर आए। अगर आपके पास पांच कस्टमर आते हैं एक घंटे में,
तो आपका जो लैम्डा बन जाएगा, लैम्डा हम लोग बोलेंगे 5 कस्टमर पर आवर इज द वैल्यू, ठीक है। अभी होता क्या है, ये जो हम लोग कई बार लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं इट इज फॉलोज द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अभी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, आप लोगों को याद होगा जब आपने मैथ्स पढ़ी होगी, हमारे पास दो तीन होते थे। एक होता था हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, हम लोग बोलते हैं बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा हमारा ये पॉइजन है, और तीसरा हमारा है एक्सपोनेंशियल, ठीक है। ये हमारे कुछ दो तीन होते थे हमारे एक्सपोनेंशियल टाइप के। तो इसमें जो हमारे जो अराइवल रेट है, इसको मानते हैं हम लोग कि दिस फॉलोज द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। पॉइजन मतलब डिस्क्रीट, यानी कि जो हमारे कस्टमर्स आ रहे हैं उनके आने का पैटर्न कोई फिक्स नहीं है। मान लीजिए 2 आए, 5 आए, 6 आए, 7 आए, तो मतलब वो हमारा जो पैटर्न है वो हमारा फिक्स नहीं है, इसलिए हम उसको बोलते हैं दिस इज द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। अगर मैं ग्राफिकली बात करूं, तो अगर मैं ग्राफ की बात करूं, यहाँ पे कस्टमर और यहाँ पे टाइम, तो पहले यहाँ पे 5 आए, क्या हो गया भाई, ठीक है, ये हमारे ये सही नहीं चल रहा पीडीएफ में, कोशिश करते हैं फिर से। तो हमारा मतलब जो अलग अलग करवा रहा है, कुछ हमारी ये हाइट इधर हो गई, फिर हमारी ये हाइट इधर हो गई, तो जो हमारा कर्व इस तरह से बनता है, इसे बोलते हैं हम लोग डिस्क्रीट कर्व बेसिकली बोलते हैं। यानी कि जो हमारी वैल्यूज हैं वो फिक्स नहीं है, यानी जो हमारे कस्टमर है उनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि हमारे पर्टिकुलर 5 कस्टमर हर घंटे आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो 5 भी हो सकते हैं, 6 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, 0 हो सकता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग डिस्क्रीट पैटर्न या पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। आपको मैक्सिमम बुक्स में ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ही लिखा मिलेगा। पहली बात, अराइवल रेट क्या होता है हमारा, लैम्डा क्या होता है, ये नंबर ऑफ कस्टमर्स अराइविंग पर यूनिट टाइम इज नोन एज अराइवल रेट लैम्डा। और क्या फॉलो करता है, ये फॉलो करता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है भाई। उसके बाद बात करते हैं नंबर टू। नंबर टू हमारा क्या है, सर्विस रेट, यानी कि हमें किस स्पीड से सर्विस मिल रही है। तो अगर हमारे 1 घंटे में 5 कस्टमर्स को सर्विस मिल रही है, तो उसे बोलेंगे हम लोग न्यू, ठीक है। इसे नोट करते हैं, रिनोट लैम्डा से करते हैं अराइवल रेट को, इसे करते हैं न्यू। ये आपको याद रखना, ये फिक्स है नोटेशन, ये चेंज नहीं होते, ठीक है भाई। यानी कि द नंबर ऑफ कस्टमर्स सर्विस्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज सर्विस रेट, इट इज एज्यूम टू फॉलो द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी जो ये सर्विस पैटर्न है, ये फॉलो करता है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें आपको डेप्थ में नहीं जाना है कि मतलब क्या है, आपको बस समझ लेना है कि मेरा मतलब क्या है एक्सपोनेंशियल का, और जो मैंने आपको बताया पॉइजन का। तो जो हमारा एक्सपोनेंशियल है वो हमारा कर्व कुछ इस तरह से जाता है, इसे बोलते हैं बेसिकली हम लोग एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अभी मैं आपको दो चीजें बताएंगी, पहली चीज बताई मैं आपको, बताई मैंने बताई है अराइवल रेट, दूसरा मैंने आपको बताया है सर्विस रेट, यानी लैम्डा और म्यू। अभी मैंने सिर्फ दो चीजें बताई है, ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है बेटा शिवा? जी सर, ठीक है। उसके बाद कुछ इनके पैटर्न होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके पैटर्न की, कि जो हमारी सर्विस है वो हम लोग किस पैटर्न प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जो हमारी पहला पैटर्न है वो है हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि फीफो या एफसीएफएस, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि जो पहले आएगा उसको सर्विस पहले मिलेगी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो पहले आएगा उसको सर्विस मिलेगी। इसका कोई एग्जांपल है आपके सामने? आपने डेली लाइफ में जरा दिमाग लगाओ, बताओ कि ऐसा एग्जांपल कहाँ देखा आपने, ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बताओ भाई, हर जगह है बेटा। आप, मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, आप टिकट कटाने जाओगे, थिएटर में जाओगे, किसी मॉल में जाओगे, बाल कटवाने जाओगे, कार की सर्विस कराने जाओगे, बाइक धुलवाने जाओगे, तो जहां आप पहले पहुंच जाओगे आपको सर्विस पहले मिलेगी, ठीक है। यानी ये जो आपके एग्जाम्पल्स हैं ये आपको हो गए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाले, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आएगा तो सर्विस पहले मिलेगी, जो बाद में आएगा तो सर्विस बाद में।
उसके बाद जो हमारा अगला पैटर्न है वो है हमारा लीफो या LCFS, लास्ट इन फर्स्ट आउट लास्ट कम फर्स्ट सर्व। इसका बताओ भाई, डेली एग्जाम्पल के देखा अपनी लाइफ में अपनी, बताओ भाई, जो लोग क्लास में सब लोग बताओ बेटा। बोलो कितने लोग क्लास में है? तनुज, विशाल, बताओ यस भाई, सर। ये एग्जाम्पल कौन कहाँ बैठेगा? लास्ट वाला, सर लास्ट 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 वाली नहीं आ रहा दिमाग में? देखो, जैसे कि हम लोग कहीं पे अपना कोई सामान स्टोर करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने कोई कोई यूनिट्स हैं, कोई प्रोडक्ट्स हैं, वो किसी गोदाम में रख दिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो आया ये पहले यहाँ पहुँच गया, PDF में यही दिक्कत है, वही चलता नहीं सही, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे आ गया, फिर हमारा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ये हमारा पूरा गोदाम भर गया, ठीक है। तो जाहिर सी बात, जब हमारा पूरा गोदाम भर गया तो पहले कौन सा पार्ट बाहर जाएगा हमारा, जो बिल्कुल लास्ट में आया था, ठीक है। यानी यहाँ पे जो हमारा लास्ट में आया था उसको हम लोग पहले सर्विस देंगे, वो हमारा पहले बाहर जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दो और हमारे पैटर्न, पहला हमारा है सीरो और प्रायोरिटी ट्रीटमेंट। सीरो मतलब क्या है? सर्विस इन रैंडम ऑर्डर, यानी इसमें कोई फिक्स नहीं है, आपको सर्विस किसी भी ऑर्डर में मिल जाती है, ठीक है। जहाँ पे हमारे कोई फिक्स पैटर्न नहीं है उसे हम लोग बोलते हैं सीरो, यानी कि सर्विस इन रैंडम ऑर्डर। चौथा हमारा है इंडिया के हिसाब से प्रायोरिटी ट्रीटमेंट, कोई VIP आ गया उसको हमें सर्विस पहले देती है। जैसे आप देखते हो टूल वगैरह पे, कोई VIP नेता वगैरह आता है उसको हम लोग तुरंत पहले से साइड लेके रास्ता से निकाल देते हैं, और जो हमारे आम लोग होते हैं वो हमारे टूल में लगे रहते हैं, वो प्रॉपर लाइन से निकलते हैं टूल के बाद, ठीक है। तो ये हमारे पैटर्न हो गए सर्विस पैटर्न, मैंने आपको चार बताया, चारों फिर से देख लेते हैं फटाफट एक बार। पहला क्या बताया मैंने आपको? पहला बताया मैंने आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर फीफो, दूसरा बताया मैंने आपको लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट लास्ट कम फर्स्ट सर। उसके बाद तीसरा बताया मैंने आपको सीरो, यानी कि सर्विस इन रैंडम ऑर्डर। फोर्थ बताया मैंने आपको प्रायोरिटी ट्रीटमेंट, यानी कि ये हमारे VIP वाला केस है। VIP कह लो, या जैसे आप लोग कभी ट्रेन में टिकट लेने जाते हो तो कुछ लोग बीच में घुस जाते हैं, ठीक है, भाई जल्दी हो रही है, मैं जाना है, ये है वो है, तो वो टिकट लाइन में लग के जब उसके बीच में घुस के टिकट ले लेते हैं, तो उन्हें हम लोग बोल देते हैं दीज आर द प्रायोरिटी ट्रीटमेंट, अलग मिल गया इनको, दीज आर कॉल्ड चीटर्स, ठीक है भाई। उसके बाद दो चीजें और आती हैं हमारी, एक आता है हमारा कॉलिंग पॉपुलेशन ऑफ सिस्टम, तो उसको थोड़ा देखते फटाफट देख लेते हैं जल्दी से। इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द क्यू डिसिप्लिन विच मीन्स द ऑर्डर बाय विच कस्टमर्स आर पिक्ड अप फ्रॉम द वेटिंग लाइन इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इट सर्विसेज। सिस्टम एंड कॉलिंग पॉपुलेशन, सिस्टम इज द प्लेस और फैसिलिटी वेयर कस्टमर्स अराइव इन ऑर्डर टू गेट सर्विस। ये सब हम ऊपर देख चुके हैं डायग्राम से, हमें पूरा क्लियर है। बस इसमें चीज ये देख लो कि जो हमारी क्यू लेंथ है उसमें दो टर्म आ रहे हैं, पहला आ रहा है फाइनाइट और दूसरा आ रहा है हमारा इनफाइनाइट, यानी कि जो हमारे कस्टमर्स हैं उनकी लेंथ हो सकती है फाइनाइट और इनफाइनाइट। अभी फाइनाइट इनफाइनाइट का मतलब क्या है? अगर हमारी जो लेंथ है वो कुछ फिक्स अमाउंट मान लेते हैं, कई जगह मान लो अगर 30 है, 30 से कम है तो हम लोग उसे बोल देते हैं कि दीज आर फाइनाइट लेंथ, बट अगर हमारी 30 से ऊपर चली गई तो हम लोग बोल देंगे दीज आर द इनफाइनाइट क्यू। तो वो वेरी करती है एज पर द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कह रहा है हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक है। बस पता होना चाहिए कि हमारा ये टर्म का मतलब क्या है, इनफाइनाइट और फाइनाइट, ठीक है भाई। तो ये होगी हमारी सब कुछ बातें हो गई हमारी। अब बात करते हैं कस्टमर्स की एटीट्यूड की, कि जो हमारा कस्टमर है उसका क्या एटीट्यूड है जो हमारा लाइन में लग रहा है। तो बेसिकली हमारे पास आप सबने दो तरह के लोग देखे होंगे, एक होते हैं पेशेंट्स, एक होते हैं इमपेशेंट्स। पेशेंट कौन होते हैं? कि भाई एक सर्वर था हमारे पास, लंबी लाइन थी, यहाँ पे लग गए और ईमानदारी से अपने लाइन में लगे रहे और आगे बढ़ते रहे, जो नंबर आया सर्विस ली और बाहर निकल गए। दूसरे जो हमारे लोग होते हैं वो होते हैं इम्पेशेंट, उनके अंदर धैर्य नहीं है, ठीक है,
तो उनको हम लोगों ने चार कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला हमारा है जॉकिंग, बाल्किंग, रेंजिंग और चीटर। अभी जॉकिंग क्या है ये देखते हैं भाई। जॉकिंग मतलब ये है कि जो कस्टमर कीप ऑन चेंजिंग क्यू इन होप टू गेट सर्विस फास्टर। ये आप सबके संग हुआ होगा कि जब आपके सामने बहुत सारी लाइन लगी हुई हैं, आप इस लाइन में लगे हो कि आप मन के चलो ये तेज चल रही है, इसमें घुस जाते हैं। जैसे इसमें गए तो फिर लाइन स्लो हो गई, फिर वाली तेज हो गई। तो जब आप लाइन को बार बार चेंज कर रहे हो, बदल रहे हो, उसको हम लोग बोलते हैं जॉकिंग। ठीक है, यानी कि आप पर्टिकुलर एक लाइन में ना टिक के लाइन को बार बार चेंज कर रहे हो, उसे बोलते हैं हम लोग जॉकिंग। उसके बाद जो अगला हमारा पैटर्न है उसे हम लोग बोलते हैं बालकिंग। एक आदमी गया भाई, बहुत लंबी लाइन देखी, इतनी लंबी लाइन थी, उसकी हिम्मत नहीं बड़ी लाइन खड़े होने की, उसने लाइन बिना लगे छोड़ दिया। ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं बालकिंग, वो लाइन को देख के निकल गया। दैट मीन्स कस्टमर डज नॉट ज्वाइन द क्यू एंड लीव द सिस्टम एज क्यू इज वेरी लार्ज, मतलब फिर उसे हिम्मत हार गया। ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम लोग बालकिंग बोलते हैं। उसके बाद जो हमारा थर्ड कैटेगरी है वो आती है हमारी रेंजिंग। मतलब क्या है, कस्टमर ज्वाइन द क्यू फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन एंड देन लीव द सिस्टम एज क्यू इज मूविंग वेरी स्लो। यानी भाई आप हिम्मत करके लाइन में लग तो गए, बट क्या हुआ कि लाइन बहुत स्लो चल रही है। आप मैं छोड़ो, आज हम काम ही नहीं कर रहे ना, हम टिकट लेंगे ना, मूवी देखेंगे, आज छुट्टी करते हैं, तो वह आप लाइन छोड़ के बाहर निकल गए, उसे बोलते हैं हम लोग रेंजिंग। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया था प्रायोरिटी वाला चीटर वाला केस है, ये हमारा फोर्थ केस आता है। यानी इसमें क्या है, आप थोड़ा दादागिरी करके, फाइटिंग करके, रिश्वत दे के आप सर्विस ले लेते हैं, एज कम्पेयर टू अदर कस्टमर जो बेचारे लाइन लगे हुए हैं, उनसे आप हटके इलीगल मीन्स से सर्विस ले लेते हैं, तो इन्हें बोलते हैं हम लोग चीटर्स। ठीक है, तो ये चार बेसिकली क्लासिफिकेशन है हमारे, जॉकिंग, बाल्किंग, रेंजिंग और चीटर। ये हमारा कस्टमर का बिहेवियर है। सारे क्लियर है भाई, बताओ भी क्लास। क्लास में है भी कोई या नहीं है? करोगे क्लियर? हाँ भाई, हाँ ना बोलते रहो तो मालूम पड़े क्लास में हो आप लोग। कई बार नेट चला जाता है, मैं पढ़ाता रहता हूँ। यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़े, चलिए जी सर। आगे। ओके, तो अब बात करते हैं पर्टिकुलर जो हमारा टॉपिक है वो है क्यूइंग मॉडल। हमारा मॉडल स्टार्ट कैसे होता है? तो हमारा जो मॉडल है बेसिकली उसको हम लोग एक पर्टिकुलर नोटेशन देते हैं, कुछ हमारा सिंबल है। ठीक है ना, जैसे हमारा मकान नंबर होता है ना कि भाई मकान ए बटा 10, 3/2, तो मालूम पड़ेगा ये मकान नंबर यहाँ है, ये इनका मकान है, मालूम पड़ जाता है। ऐसे हमारे क्यूइंग मॉडल भी हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे क्यूइंग मॉडल है, हम लोग उनका नंबर देखेंगे तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये जो क्वेश्चन है या जो मॉडल है ये क्या कहना चाह रहा है। तो इसका जो जनरल फॉर्म हमारी है वो ये है, ए ऑब्लिक बी ऑब्लिक सी सेमीकॉलन, डी ऑब्लिक ई ऑब्लिक एफ। ये हमारा एक जनरल सा फॉर्मेट है टू शोइंग द क्यूइंग मॉडल। ठीक है भाई, अब इसमें इनका मतलब क्या है तो देख लेते हैं फटाफट। जो इसमें हमारा ये ए है, ए रिप्रेजेंट करता है बेसिकली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द अराइवल पैटर्न। ठीक है, यानी जो ए है हमारा वो करता है रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द अराइवल पैटर्न। अब मुझे कोई बताया कि मैंने जो अराइवल पैटर्न था वो डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा माना था? नाम याद है? बिल्कुल, मैंने शुरू में बताया था कि जो हम अराइवल पैटर्न है वो डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा मानते हैं, डिस्क्रीट। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन? नहीं याद आया भाई, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद जो हमारा ये अगला वाला पार्ट है बी, बी क्या करता है रिप्रेजेंट्स, बी करता है हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द सर्विस पैटर्न। ये हमारा है एक्सपोनेंशियल। ठीक है भाई, ये हमारा करता है रिप्रेजेंट्स बी को। उसके बाद जो लेटर सी है वो करता है रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ सर्वर इन द सिस्टम। यानी
यानी कि सर्वर सिस्टम हमारे कितने हैं, एक है, दो है, तीन है, चार है, अब तो कितने हैं, तो वो हमारे करता है रिप्रेजेंट सी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है डी, डी करता है रिप्रेजेंट सर्विस रेट और सर्विस ऑर्डर, सॉरी सर्विस रोल या सर्विस ऑर्डर, यानी कि जो मैंने चार पढ़े हैं ये वाले, ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर, लीफो या सीरो या फिर प्रायोरिटी ट्रीटमेंट, ये किस तरह से हमारा आ रहा है, ये हमारा होता है सिंबल डी। उसके बाद जो हमारा सिंबल ई है लेटर, वो करता है रिप्रेजेंट साइज ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम, कि जो हमारा सिस्टम है उसका साइज क्या है। ठीक है भाई, कई जगह क्या होता है इसको हम लोग मर्ज कर देते हैं, सिर्फ दो ही रखते हैं डी और एफ, दिखा दूंगा अभी, और कई जगह ये हमारे थ्रू चलते हैं, तो मैंने आपको जनरल दिखा दिया कि मैक्सिमम केस में क्या होता है। ठीक है, तो लास्ट में रह गया हमारा एफ, एफ करता डिनोट साइज और द कैपेसिटी ऑफ द कॉलिंग पॉपुलेशन। ठीक है भाई, कि जो हमारी कॉलिंग पॉपुलेशन है, यानी जो हमारा कस्टमर आ रहे हैं अराइवल, वो किस तरह से आ रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारा करता डिनोट लेटर एफ। यहां तक क्लियर है सारी बात, कुछ डाउट हो तो पूछ लो बेटा यहीं पे, क्योंकि उसके बाद हम सीधे हम मॉडल पे आएंगे और क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। बताओ भाई, यस सर। बस ये याद रखना कि जो हमारा ए है वो हमारा अराइवल लेट है, उसे हम बोलते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, और जो हमारा बी है इसे बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बस ये आपको यही चीज याद रखनी है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, अब जब लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो बेसिकली हमारे ए और बी हैं, इनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लेटर एम से। आपको कई बार मॉडल दिखाई पड़ेगा MM1 मॉडल, इसका मतलब क्या है, ये हमारा मार्कोवियन सिस्टम है, और जो हमारा जो दूसरा वाला है उसे हम बोलते हैं अर्लोंग सिस्टम, गामा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, हम लोग नाम दे रखे हैं, मतलब वही है जो मैं आपको बता रखा है ऊपर, पॉइजन और एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो अगर आपको दिया हुआ है इसको समझिएगा कि आपका जो माना है आपने MM1 का मतलब यही है कि ये आपका पॉइजन है और ये आपका एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, और वन का मतलब क्या है कि जो आपके, क्या बताया मैंने सी को, मतलब नंबर ऑफ सर्वर, कि आपका एक ही सर्वर है, वही मतलब ये नंबर ऑफ सर्वर। ठीक है भाई, तो ये सब हो चुके हैं, बता दिया मैंने आपको डी का मतलब क्या था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये सारे हो चुके हैं। का मतलब था फाइनाइट और इनफाइनाइट, यानी कि अगर आपकी क्यू की लेंथ फाइनाइट है, यानी कि अगर कोई रेंज दे रखी है कि लेस देन 30 को हम लोग फाइनाइट बोलेंगे, तो 30 से कम है तो फाइनाइट, अगर 30 से ऊपर है तो हम बोलेंगे इसको इनफाइनाइट। ये 30 में बता रहा हूँ अपने लेवल से, कई बार क्वेश्चन में ये वेरी करता है, तो ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया 30 तो आप 30 ही मान चलो, तुम तो कुछ पैटर्न होगा 1000 10000 का, तो उसे वो अपने हिसाब से फाइनाइट या इनफाइनाइट डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको बता दिया कि मॉडल क्या होता है, कैसे करते हैं रिप्रेजेंट्स। अब सीधे बात करते हैं क्वेश्चंस की, क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो क्वेश्चन बनने से पहले हमें कुछ फॉर्मूलेस हैं वो पता होने चाहिए। ठीक है भाई, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जांपल दे रखा है MM1 ऑब्लिक फीफो इनफिनिट फैक्टर, मतलब क्या है इसमें, जो हमारा अराइवल रेट है वो हमारा पॉइजन है, और जो हमारा सर्विस रेट है वो भी हमारा पॉइजन एक्सपोनेंशियल है, सर्वर हमारा एक ही है, वन सर्वर है, पैटर्न क्या है हमारा, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, और जो हमारी सिस्टम पॉपुलेशन है और जो कॉलिंग पॉपुलेशन है वो हमारी क्या है, इनफाइनाइट। तो आपको क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ कि ये हमारा मॉडल है, बताइए कौन सा मॉडल, सबको समझ आना चाहिए कि हर सिंबल का मतलब क्या है। ओके, तो अब बात करते हैं सीधे क्वेश्चन की, हमारे क्वेश्चन किस तरह बनते हैं। क्वेश्चन से पहले हमारे कुछ फॉर्मूले देखेंगे हम लोग, उन फॉर्मूले बेस पे सीधे हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं, डेरिवेशन हमें नहीं जाना है कि फॉर्मूला कैसे आया, उसका बैक हिस्ट्री क्या है, वो नहीं देखनी है हमें, हमें सिंपल फॉर्मूला देखना है कि फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है भाई, तो सबसे पहले समझते हैं कि जो हमारा अराइवल रेट है वो क्या है। मैंने आपको बताया कि लैम्डा वो हम लोग करते हैं रिप्रेजेंट अराइवल रेट से, यानी कि 15 कस्टमर अगर हमारे 1 घंटे में आ रहे हैं, तो मैं इसको लिखूंगा लैम्डा इज इक्वल टू 15 कस्टमर पर आवर, ये हो गया मेरा लैम्डा। ठीक है, अगर इसको मैं लिखूंगा इंटर अराइवल रेट, यानी कि 1/लैम्डा, तो क्या हो जाएगा, 1/15। कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछता, मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ चीजें,
अगर आपको ये दिया होगा आपको इसमें कन्वर्ट करना होगा, इसमें दिया होगा आपको इसमें कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि दोनों का मतलब क्या है। सिंपल लिखा हुआ है आपका अराइवल रेट, तो मतलब आपको ये दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है। अगर कह रहा है कि इंटर अराइवल रेट यानी कि 1/λ यानी 1/15 आवर पर कस्टमर, तो क्वेश्चन में आपको दोनों तरह से दे रखा है, आपको बस समझना कि दिया क्या है। तो अगर मैं दे रखा है कि 4 मिनट पर कस्टमर मेरा अराइवल रेट है, तो मैं थोड़ा समझ जाऊंगा कि 1/15 यानी कि 15 कस्टमर 1 घंटे में आते हैं, ठीक है भाई। ये मुझे लैंग्वेज पढ़ के समय आ जाना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं सर्विस रेट की। सर्विस रेट को हम लोग करते हैं रिप्रेजेंट बेसिकली न्यू से करते हैं रिप्रेजेंट, ठीक है। क्या कह रहा है, ओनली फ्यू कस्टमर्स टेक मच टाइम ऑफ द एक्सपोनेंशियल, इसका कोई मतलब नहीं, छोड़ो उसको। ड्यू टू द रैंडमनेस अराइवल लेट नोन एज पॉइसन, ये सब मैं बता चुका हूँ ऊपर ही, क्यों हम लोग बोलते हैं तो क्या बोलते हैं। बात करते हैं सीधे हम लोग सर्विस रेट की। सर्विस रेट मतलब ये है कि आपके पास कस्टमर आया, उसको आप कितना टाइम में सर्विस दे रहे हो, यानी कि म्यू को हम लोग करते हैं रिप्रेजेंट 20 कस्टमर पर आवर, ठीक है। ये तो आपको दे रखा होगा इस तरह से कि 20 कस्टमर आते हैं 1 घंटे में, ये आपको रेट दे रखा होगा इस तरह से कि इंटर सर्विस रेट क्या है, 1/μ यानी कि 1/20 आवर पर कस्टमर। सिंप्लीफाई कर लो मिनट में इसको, तो हो जाएगा आपका 3 मिनट पर कस्टमर, यानी कि जो सर्विस है आप 3 मिनट में पर कस्टमर आप सर्विस दे रहे हो, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको चाहे इधर से दे चाहे ये इस तरह से दे, आपको पता चलना चाहिए कि आपको क्या निकालना है, ठीक है भाई। तो ये आपका लैम्डा और म्यू दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए शिवा विशाल, बेस्ट ठीक है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको लैम्डा क्या दिया है और क्वेश्चन में म्यू क्या दिया है, ये आपको निकालना होगा, क्योंकि जो सारे आपके क्वेश्चन बनेंगे वो इन दो टर्म से ही सॉल्व होने वाले हैं। मैंने आपको इसलिए चारों केस बता दिया कि आपको चारों केस में कैसे दे रखी होगी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि जो हमारी क्यू है वो कैसे बनती है। फिर ये बात है कि अगर हमारे कस्टमर ज्यादा आ रहे हैं सर्विस कम हो रही है तो हमारी क्यू बनेगी। वही बात यहाँ पे कह रहा है कि इफ लैम्डा इज ग्रेटर देन म्यू देन द क्यू लेंथ विल बी कीप ऑन इंक्रीजिंग, ये बढ़ती जाएगी और आफ्टर सर्टेन टाइम इतनी बड़ी हो जाएगी कि जो हमारा सर्विस सिस्टम है वो पूरा फेल हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, ये अल्फा सॉरी लैम्डा शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू, ये हमारा प्रेफर्ड क्राइटेरिया है, ये हमारा प्रेफर्ड जोन है, ये मतलब ये होना चाहिए तो हमारा सिस्टम हमारा बिल्कुल सही चलेगा, यानी हमारी बिल्कुल पॉपुलेशन बिल्कुल सही से आएगी, उसे प्रॉपर सर्विस मिल जाएगी। अब ये बनता है हमारा पहला फॉर्मूला, ये मैं नोट्स शेयर कर दूंगा क्लासरूम पे, चाहो तो आप नोट करते हो हाथ के हाथ, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन कराएंगे इसके बाद। तो जो पहला फॉर्मूला बनता है हमारा वो बनता है रेशियो बिटवीन अराइवल एंड सर्विस रेट, इसे बोलते हैं हम लोग रो रो, और इसको हम लोग ये भी बोलते हैं ट्रैफिक इंटेंसिटी। क्या बोला मैंने, ट्रैफिक इंटेंसिटी, ठीक है। तो इसको हम लोग करते हैं रिप्रेजेंट रो लेटर से, ये हमारा रो है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है इसका, अराइवल रेट डिवाइड बाय सर्विस रेट, मैं फिर से बोल रहा हूँ ये सर्विस रेट की बात कर रहा हूँ मैं, सर्विस रेट और अराइवल रेट, ठीक है। तो रो इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है थ्रू आउट द क्वीन मोड, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपको दिया हुआ है कि म्यू इज इक्वल टू 20 कस्टमर पर आवर, लैम्डा इज 5 कस्टमर पर आवर, तो आपको रो निकालना है। सिंपल फॉर्मूला क्या है, लैम्डा अपॉन म्यू, 5/20 यानी कि 0.25 इज द ट्रैफिक इंटेंसिटी, यानी कि इतने टाइम के लिए हमारा सिस्टम बिजी रहता है, ठीक है। इसको कई जगह यूटिलाइजेशन फैक्टर भी बोलते हैं, यूटिलाइजेशन फैक्टर, इस सारे वर्ड्स में बता रहा हूँ क्योंकि ये नोट्स में दिए नहीं है, पता होना चाहिए आपको ट्रैफिक इंटेंसिटी और यूटिलाइजेशन फैक्टर, ठीक है भाई। ये क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े, कुछ पूछना पूछ लो अभी तक, कुछ अगर कहीं डाउट दिमाग में आ रहा हो कि कैसे आ गया क्यों आ गया तो मतलब क्या है बताओ भाई। तो ये 5 अपने पास से लिया, लैम्डा इक्वल्स टू 5, ये सब दिया है, ये क्वेश्चन में दिया है, ये गिवन है आपको, ये तो मतलब आपने समझा दिया मैंने कि फॉर्मूला कैसे वैल्यू आती है। ये क्वेश्चन में आपको ये दो चीजें आपको तो क्वेश्चन में दी होंगी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में,
तो घुमा के दिया होगा, दिया होगा, ठीक है। फिर ऐसे ही अलग अलग वैल्यू रख के देख लो, तो मतलब प्रैक्टिस के लिए वाली बात है कि आप लैंडर 10 रख लो तो कितना आ जाएगी वैल्यू, 15 रख लो कितनी आ जाएगी, 20 रख लो कितनी, वो तो आपकी सिंपल सा फॉर्मूला है, इतना आपको खुशियों में पता कर लो, ठीक है। तो मैं सीधे अब आगे बढ़ता हूँ और पहला जो फॉर्मूला मेरा बनता है वो देख लेता हूँ मैं, क्या बन रहा है हमारा, रेशियो ऑफ अराइवल टू सर्विस रेट इंडिकेट्स गिव द परसेंटेज टाइम सर्व इज बिजी एंड इट इज नोन एज द यूटिलाइजेशन फैक्टर, जो मैंने अभी आपको बताया ऊपर दिया हुआ है इसमें, यहाँ पे सिस्टम यूटिलाइजेशन फैक्टर, एवरेज यूटिलाइजेशन फैक्टर, चैनल एफिशिएंसी एंड क्लियरिंग रेशियो, ये सब हमारे इसी के नाम है। इट ऑल्सो इंडिकेट्स द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू कस्टमर हैज टू वेट, ठीक है, जितना ज्यादा होगा उतना हमारा चांस है कस्टमर को वेट करना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं पहले फॉर्मूले से, तो जो हमारा पहला फॉर्मूला है वो क्या है, फर्स्ट फॉर्मूला बनता है हमारा प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम इज आइडियल एंड और द प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो कस्टमर इन द सिस्टम, यानी कि जो पहला हमारा बनेगा रो क्या है, रो हमारा है लैम्डा अपॉन म्यू, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आ रही है, यानी कि जो भी मतलब मैंने जो पहला एग्जांपल लिया था अभी ये वाला 25, यानी कि 25% चांस है कि हमारा जो कस्टमर है उसको क्यू मिले, ठीक है, यानी कि 25% चांस है जो भी मेरा कस्टमर आएगा उसको क्यू मिलेगी। तो अब मुझे बताओ कि कितने परसेंट चांस है कि उसको सिस्टम को खाली रहे, मतलब ना होने की, जो ये मेरी होने की प्रोबेबिलिटी है, तो मुझे बताओ कि ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 माइनस दिस 0.25, यानी कि 75%। वही बस फॉर्मूला है कि जो मेरा फॉर्मूला बन के आएगा वो ये बन जाएगा पी नॉट का 1 माइनस रो, ठीक है, 1 माइनस रो इज द पी नॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सिस्टम इज आइडियल, यानी कि वहां पे कोई भी कस्टमर मुझे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसको और प्रोसेस कर लेते हैं, 1 माइनस रो क्या है, लैम्डा अपॉन म्यू, यानी कि म्यू माइनस लैम्डा अपॉन म्यू इज द फॉर्मूला दैट देयर विल बी जीरो कस्टमर इन द सिस्टम। अब ये फॉर्मूला आपको लर्न करने हैं, आप समझ लो तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको ये लर्न करने हैं और एज इट इज हमें क्वेश्चन में यूज करना होता है, ठीक है। हाँ, इसका अगला फॉर्मूला हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एग्जैक्टली एन कस्टमर्स इन द सिस्टम, यानी कि हमें ये पता करना है कि जो हमारा सिस्टम है कितने कस्टमर होंगे पर्टिकुलर टाइम पे। तो इसका फॉर्मूला हमारा है पी एन इज इक्वल टू रो की पावर एन इंटू रो पी जीरो, जो हमने ऊपर निकाला है, ठीक है, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं इस तरह से, पी एन इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू की पावर एन, और ये क्या आया था मेरा 1 माइनस रो, या फिर म्यू माइनस लैम्डा अपॉन म्यू, ठीक है भाई। तो सिंप्लीफाई कर लो इसको चाहो तो ऐसे रहने दो, ये मेरा फॉर्मूला मुझे याद करना है इसी फॉर्म में, ये मेरा फॉर्मूला हो गया प्रोबेबिलिटी दैट एन कस्टमर विल बी इन द सिस्टम, यानी कि एन कस्टमर मुझे यहाँ पे मिलने ही मिलने हैं, इसके प्रोबेबिलिटी हमारी पी एन है। तो कुछ वैल्यू रख के देख लो, अगर मेरी वैल्यू यहाँ पे एन है तो एन की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पी 4 इज इक्वल टू रो 4 की पावर पी नॉट, ठीक है। ये पी हमारी प्रोबेबिलिटी है, रो क्या है हमारा ट्रैफिक इंटेंसिटी है, मैंने ऊपर निकाला था। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है मेरा द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम। अब जो मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ सिस्टम, ये ध्यान रखना, जब मैं बात करता हूँ सिस्टम की, तो सिस्टम में जिनको मेरे कस्टमर वेटिंग में हैं और जिनको सर्विस मिल रही है, उन दोनों को मैं इंक्लूड करता हूँ, बहुत ध्यान से बात, जब मैं बोल रहा हूँ सिस्टम की बात कर रहा हूँ, सिस्टम मतलब जो वेटिंग में है और जो सर्विस मिल रही है, उन दोनों को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। अगर सिर्फ मैं बोलूँगा मैं क्यू की बात करूंगा, तो क्यू मतलब ये है कि जो सिर्फ वेट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ ना करो भाई कुछ, क्या हाँ ना तो करो भाई, यस सर।
ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड्स है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा सिस्टम क्या होता है और क्यू लेंथ क्या होती है। अब जो क्वेश्चन सिंपल पूछेगा, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यू, तो क्यू मतलब ये हो गया कि सिस्टम की बात नहीं कर रहा है वो, सिर्फ क्यू की बात कर रहा है। ठीक है भाई, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बस इसका फॉर्मूला देखते हैं क्या है। फॉर्मूला हमारा ये बन रहा है, एल एस इज इक्वल टू रो डिवाइड बाय 1 माइनस रो, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर लो इसको। रो क्या होती है हमारी, लैम्डा अपॉन म्यू डिवाइड बाय 1 माइनस लैम्डा अपॉन म्यू, म्यू से म्यू कट जाएगा, ये हो जाएगा मेरा फॉर्मूला, एल एस इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा, ये मेरा फॉर्मूला आ गया एल एस का। एल एस मतलब सिस्टम लेंथ, सिस्टम मतलब जिसको जो हमारा वेट कर रहा है प्लस जिसको सर्विस मिल रही है, ये हो गया हमारा एस। ये आपको चीज याद रखनी है। ठीक है, ये मैं भी शेयर कर दूंगा, चाहो तो आप नोट करते रहो या देखते रहो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इज आप कंफर्टेबल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो मेरा है वो क्या है, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू। ठीक है, अभी अभी क्या लिखा है, सिर्फ क्यू लिखा हुआ है, क्यू मतलब जो सिर्फ क्यू में है, जिनको सर्विस मिल रही है वो इंक्लूड नहीं हो रहे हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि जो मैंने ऊपर लिखा था, जो सिर्फ वेट कर रहे हैं, सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं मैं जो क्यू में है। ठीक है, जो सर्विस मिल रही है वो इसमें इंक्लूड नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा फॉर्मूला, एल क्यू इज इक्वल टू रो स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस रो। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो मेरा क्या बन जाएगा, एल क्यू इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस लैम्डा अपॉन म्यू, तो क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर अपॉन एक म्यू हमारा बच जाएगा, तो यहाँ पे म्यू आ जाएगा, म्यू म्यू माइनस लैम्डा। ठीक है, मैं लिख दूँ यहाँ फॉर्मूला, एल क्यू इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू म्यू माइनस लैम्डा। ठीक है भाई, तो ये फॉर्मूला हो गया मेरा एल क्यू का। फॉर्मूला क्या आया था एल एस का, इसका फॉर्मूला आया था एल एस का लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। तो मैं आपको थोड़ा सा बता भी दे रहा हूँ कि फॉर्मूला जनरल हमारे क्या याद करना है, आप चाहे इसको याद कर लो चाहे इसको याद कर लो, एक ही बात। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एल एस का फॉर्मूला, ये हो गया मेरा एल क्यू, एल एस एल क्यू, समझ में आ रही है, ये बात हो रही है सिस्टम की और ये बात हो रही है क्यू की। ठीक है भाई, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है लिटिल्स लॉ। ओके, ये क्या कह रहा है, लिटिल्स लॉ बोलता है फॉर ए स्टेबल सिस्टम एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यू और सिस्टम इज इक्वल टू द एवरेज कस्टमर्स अराइवल रेट मल्टीप्लाइड बाय द एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ द कस्टमर इन द क्यू ऑफ द सिस्टम। ठीक है भाई, समझ आया कुछ, यानी कि ये कह रहा है कि जो एल एस इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डब्ल्यू एस, डब्ल्यू एस क्या है यहां पे, वेटिंग टाइम है सिस्टम में। सिमिलरली जो हमारा एल क्यू है वो जाएगा लैम्डा इंटू डब्ल्यू क्यू, तो यहां से हमारे फॉर्मूले निकल के आ जाएंगे, डब्ल्यू एस का क्या आ जाएगा भाई, एल एस डिवाइड बाय लैम्डा। अब जो हमारा एल एस है वो क्या है भाई, देख लो, एल एस हमारा है लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा, लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा डिवाइड बाय लैम्डा, तो इससे ही कट जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, ए इधर आ जा भाई, हाँ, तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा डब्ल्यू एस का वो क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा, इससे कट जाएगा,
वन माइनस म्यू माइनस लैम्डा, ये मेरा फॉर्मूला आ गया डब्ल्यू एस का। अब डब्ल्यू एस क्या है? एवरेज वेटिंग टाइम इन द क्यू सिस्टम। फिर सुन लो, डब्ल्यू एस हमारा एवरेज वेटिंग टाइम इन द सिस्टम, एस डिनोट्स फॉर सिस्टम। वही अगर बात करूं मैं डब्ल्यू क्यू की, यानी कि एवरेज वेटिंग टाइम इन द क्यू, तो वो क्या है मेरा? एल क्यू इज इक्वल टू एल क्यू डिवाइड बाय लैम्डा। अब जो फॉर्मूला है मेरा एल क्यू का, वो क्या भाई? वो मेरा आ रहा है लैम्डा स्क्वायर अपॉन म्यू इंटू म्यू माइनस लैम्डा। लैम्डा स्क्वायर अपॉन म्यू इंटू म्यू माइनस लैम्डा डिवाइड बाय लैम्डा। तो भाई क्या बन जाएगा ये? इससे ही कट जाएगा, तो जो मेरा फॉर्मूला बन के आएगा वो बन के आ जाएगा एल क्यू इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू म्यू माइनस लैम्डा। सॉरी, ये मेरा जो फॉर्मूला बनेगा वो डब्ल्यू क्यू का बनेगा, ठीक है? तो ये मेरे पास फॉर्मूले बन के आ गए हैं डब्ल्यू क्यू के, डब्ल्यू एस के, एल एस के और एल क्यू के। आपको बस ये चार फॉर्मूले ही लर्न करने हैं, ठीक है? और मैं गारंटी दे रहा हूँ 99% क्वेश्चन आपके इन्हीं चार फॉर्मूलों से ही सॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद एक दो फॉर्मूले और हैं, वो भी हम देख लेंगे, बट जो मेन फॉर्मूले आपके हैं वो यही चार फॉर्मूले हैं, एल एस, डब्ल्यू एस, एल क्यू, डब्ल्यू क्यू और रो, तो आपको पता ही है, लैम्डा अपॉन म्यू, ठीक है भाई? तो बेसिकली ये चार फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, आपको याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूला आपको याद है तो क्यूई मॉडल आप सॉल्व कर लो, ठीक है? यहाँ तो बोलो भाई यस यस और नो। हाँ, तो बस एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, फिर क्लास फिनिश करते हैं आज यहीं पे। क्वेश्चन दिया हुआ है, द नंबर ऑफ पर्सन अराइविंग एट ए सर्विस सेंटर इज 8 कस्टमर्स पर आवर, यानी कि 8 कस्टमर्स पर आवर, ये दिया हुआ है आपको अराइवल रेट, ठीक है? क्या बोल रहा है? द सर्विस प्रोवाइडर टेक्स 5 मिनट्स पर कस्टमर। अब देखो घुमा दिया है यहाँ पे, ठीक है? 5 मिनट्स पर कस्टमर ऑन एवरेज, देन डिटरमाइन द एल एस एल क्यू डब्ल्यू एस डब्ल्यू क्यू। बस यही पूछता है आपको। मैं अभी क्वेश्चन अपने लास्ट रहेगा, मैं दिखा रहा था शिवा को, अभी सिंपल क्वेश्चन ऐसे पूछा था, ठीक है? तो देखो जाहिर सी बात है, लंडा मेरे को दिया हुआ है 8 कस्टमर्स पर आवर, ये तो मैं सही दिया हुआ है, बट जो मेरा ये दिया हुआ है म्यू, ये मेरे को सर्विस रेट दिया है, यानी कि 5 मिनट्स पर कस्टमर, मुझे इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा दूसरे फॉर्म में, यानी कि 5 बाय 12 जाएगा आपका 1/12 आवर पर कस्टमर, यानी कितना जाएगा ये म्यू आपका 12, लेमडा कितना बन गया यहाँ पे 8 आपका दिया हुआ है, तो लेमडा 8 म्यू 12। बस ये आपको जस्टिफाई करना है, अगर आपके ये सही निकल गए तो फिर तो आपको बस आपको फॉर्मूले में वैल्यू ही रखनी है सिर्फ, ठीक है? तो भाई पहला फॉर्मूला क्या है मेरा रो का? रो मेरा हो जाता है लैम्डा अपॉन म्यू, यानी कि 8/12 या 4/3, ये मेरा हो गया है रो, ठीक है भाई? अब पहला फॉर्मूला क्या है मेरा? फॉर्मूला मेरा है एल एस का, क्या बेटा है? रो अपॉन 1 माइनस रो, ठीक है? यानी कि 2/3 माइनस 1/2/3 इज इक्वल टू 2, यानी जो मेरा एवरेज क्यू लेंथ है वो कितना जाएगा मेरा? 2 कस्टमर्स, यानी कि जो मेरे सिस्टम में कस्टमर कितने हैं? 2 कस्टमर मेरे सर्विस में रहेंगे। नेक्स्ट क्या है? एल क्यू, एवरेज लेंथ ऑफ क्यू। फॉर्मूला क्या है? रो स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस। तो मैं सिर्फ आपको रो की फॉर्म में याद रखना है, आपको बहुत इजी रहेगा। 4/9 माइनस 1 माइनस 2/3 कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा आपका 1/3, इसका डिवाइड कर दो 4/9, यानी कि यहाँ पे ये गड़बड़ कर दिया उन्होंने, 4/9 कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे गड़बड़ है ये, तो
रो दे रखा है मेरे को 4/3, रिपीट तो ये हो जाएगा मेरा 16। कर रिपीट कर दूं मैं? दो चलो कोई नहीं, फिर से रिपीट करते हैं, स्टार्टिंग समझ रहा से। हूँ। स्टार्टिंग से देखो, अब देखो स्टार्टिंग देखो, सबसे पहले मैंने क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, कह रहा है द नंबर ऑफ पर्सन अराइविंग एट सर्विस सेंटर इज 8 कस्टमर्स पर आवर, यानी कि लंबा कितना हो गया मेरा, 8 कस्टमर पर आवर। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर टेक्स 5 मिनट्स पर कस्टमर ऑन एवरेज टाइम, यानी कि जो मेरा ये दिया हुआ है मुझे, ये 1 माइनस म्यू दिया है, कितना दिया है 5 मिनट्स पर कस्टमर। बात समझ आ रही है? अब जो मैंने अच्छे वीडियो से को दिखाया था यही था कि मुझे आपको क्वेश्चन में दो तरह से देता है ये लैम्डा और म्यू। देखो यहाँ पे जो मैं आपसे ये कह रहा था, आपको दे रखी होगी सर्विस रेट इस तरह से, ये दे रखा होगा आपको इंटर सर्विस रेट कि 20 कस्टमर पर आवर दे रखा है या फिर 5 मिनट्स पर कस्टमर दे रखा है, आपको क्या दे रखा है। अगर ये 5 मिनट पर कस्टमर दे रहा है इसका मतलब ये 1/μ है, अगर 20 कस्टमर पर आवर दे रहा है तो ये आपका म्यू है, आपको बस ये समझना है क्वेश्चन में। ठीक है भाई, ये बिल्कुल बिल्कुल वैसे उदाहरण तरीका जुगाड़ वाला, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा इससे कि अगर आपकी यूनिट क्या दे रखी है कस्टमर पर आवर तो आपका ये म्यू है, अगर आपकी मिनट पर कस्टमर दे रखी है तो ये आपका 1/μ है, तो आपको इसे कन्वर्ट करना है या डिवाइड कर देना है वो उल्टा में। ठीक है तनुज? जी ठीक है भाई, अब क्वेश्चन पर जाते हैं। हाँ कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 मिनट पर कस्टमर, मतलब क्या दिया हुआ है, ये दिया है मेरे को, ये दिया है मेरे को, कहाँ गया भाई। ठीक है, ये दिया है मेरे को 1/μ, तो मैं क्या करूंगा इसको कन्वर्ट कर लूंगा इंटू द म्यू में, तो क्या करूंगा मैं 1/5 कर दो, तो उसको करने से पहले जो मेरी यूनिट से सेम होनी चाहिए, ये मेरा आवर में दिया हुआ है तो यही मेरा आवर में ही होना चाहिए, तो उसको मैंने मिनट से कन्वर्ट कर लिया पहले उसमें आवर्स में, तो क्या हो गया 5/60, ये मेरा आवर में हो गया, यानी कि 1/12। ठीक है, फिर मैंने उसको रिवर्स कर दिया तो मेरी वैल्यू आ गई म्यू की, वो कितनी आ गई बेटा, वो आ गई मेरी 12। ये देखो यहाँ पे ये मेरी आ गई यहाँ पे वैल्यू म्यू की, वैल्यू आ गई मेरी वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, 60/5 यानी कि 12 कस्टमर पर आवर, ये हो गई मेरी सर्विस रेट। तो लंबा मेरा था 8 कस्टमर पर आवर, म्यू कितना है 12 कस्टमर पर आवर, तो मैंने क्या करा फटाफट रो की वैल्यू निकाल दी, रो कितना है, फॉर्मूला मेरा क्या होता है रो का, लैम्डा अपॉन म्यू। ठीक है, तो बस लैम्डा कितना है मेरा, लैम्डा मेरे पास 8 दिया है, म्यू मेरे पास है 12, तो मेरा रो क्या आ जाएगा भाई 8/12 यानी कि 4/3, तो रो मेरा आ गया यहाँ पे 4/3। यहां तक कोई टू बाई दिक्कत, थ्री टू बाई यहां थ्री तक कोई आ रहा है, दिक्कत है? अच्छा टू एट बाई बाय थ्री ट्वेल्व है तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 4/2/3 आएगा, मैं 4/3 लिख रहा हूँ, मेरी गलती है, तो ये आपका आ जाएगा 2/3, सॉरी, तो ये आपका आ जाएगा 2/3 रो की वैल्यू। ठीक है, तो बस अब 2/3 आ गया है, तो मेरे जो क्वेश्चन पूछा है क्या पूछ रहा है, एल एस और एल क्यू, फॉर्मूला क्या है मेरा एल एस का, रो अपॉन 1 माइनस रो, तो 2/3 माइनस 1/2/3, मेरे 2 कस्टमर्स आ गए सिस्टम में, यानी कि जो एवरेज सिस्टम लेंथ है मेरी क्या आ गई, 2 कस्टमर मेरे सिस्टम में है। ठीक है, इससे क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर कह रहा है कि एल क्यू निकालिए यानी कि एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यू, फॉर्मूला क्या है इसका, रो स्क्वायर अपॉन 1 माइनस रो, यानी कि 2/3 का स्क्वायर 4/9, और 1 माइनस 2/3 कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1/3, तो 1/3 वो लिख दे यहाँ पे 1/3, 4/9 मैं 1/3, 3 कट गया, ये रहेगा 4/3, यानी कि 4/3 कस्टमर्स मेरे क्यू में हैं। ठीक है, तो आप चाहे यहीं से निकाल सकते हो, मुझे क्वेश्चन कहीं पूछता नहीं है, 2 माइनस 4/3 यानी कि ये हो जाएगा 4/9,
सिक्स माइनस फोर, 2/3 मेरे कस्टमर्स सर्विस में है, वो सर्विस मिल रही है, ये पूछता नहीं मैंने बताया आपको मेरी तरफ से, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला पार्ट क्या है बेसिकली, अगला पार्ट है WS, यानी कि एवरेज वेटिंग टाइम इन द सिस्टम। फॉर्मूला क्या है मेरा है LS डिवाइड बाय लेमडा। अब मेरा LS क्या आया था, LS मेरा 2 आ गया था, मैं क्या करूंगा 2 डिवाइड बाय लेमडा, लेमडा वैल्यू क्या है मेरे पास 8 है, 2/8 यानी कि 1/4 आवर, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट, जो सिस्टम का वेटिंग टाइम है 15 मिनट है, यानी कस्टमर एक बाहर सिस्टम में आएगा तो उसको 15 मिनट लगेंगे सर्विस लेने से बाहर निकलने तक। फिर बात करता है WQ की, WQ क्या है LQ डिवाइड बाय लैम्डा, ये कितना आया था मेरा, LQ आया था मेरा 4/3, तो 4/3 डिवाइड बाय लैम्डा, यानी कि इसको अगर ऐसे लिखूं मैं 4/3 डिवाइड बाय 8, बात हो जाएगी मेरी, यानी कि ये हो जाएगा मेरा 6 10 मिनट्स, सो मिनट्स में सॉरी उन्होंने आवर्स को कन्वर्ट कर लिया है मिनट्स में, तो ये मेरी वैल्यू हो जाएगी 10 मिनट्स, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन आपके इस तरह से आते हैं AKTU में, ये फॉर्मूले हैं, सिर्फ 4 फॉर्मूले हैं आपके जो आपको याद करने हैं, LS के, LQ का, WS का, WQ का, एक जो फॉर्मूले और है वो मैं कल कराऊंगा आपको, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो आई थिंक ये न्यूमेरिकल समझ आपको आ गया हो कैसे न्यूमेरिकल किया है, कोई डाउट है तो पूछो अभी, वरना फिर मैं क्लास में ही ओवर करता हूँ। बताओ बेटा आ गया सर, ठीक है, क्योंकि देखो ये टॉपिक बहुत छोटा है, इसको मैं आज खड़ा मैंने छोटा था लेकिन थोड़ा टाइम लग गया, इसको मैं कल फिनिश करूंगा और कल स्टार्ट करूंगा आपकी यूनिट नंबर 4, ठीक है, अगर ये फिनिश होकर टाइम से हो गया तो जो बच्चे आ जाए कल जरूर क्लास में आना, तभी आपको समझ में आएगा टॉपिक पूरा, ठीक है बेटा। कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं क्लास को फिनिश करता हूँ यहीं पे, ओके सर, ओके बेटा, थैंक यू, थैंक यू सर।